आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर बीदर में खिदमत फाउंडेशन और उर्दू टीचर एसोसिएशन की ओर से मनाया गया उर्दू दिवस। चिरगुप्पा शहर में तालुका प्रशासन ने दिवाली के अवसर पर लगाई गई दुकानों में पटाखों के स्टॉक का किया निरीक्षण। बिना लाइसेंस वाली दुकानों में पटाखों का स्टॉक न रखने को कहा गया। केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के निर्देश दिए। कर्नाटक सरकार की प्रतिशोधात्मक राजनीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी, भाजपा नेता बीएस येडियुरप्पा ने यह बात कही। पाकिस्तान ने कराची की जेल से 80 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, गुजरात के विभिन्न इलाकों के हैं निवासी। अब समाचार विस्तार से। 9 नवंबर को प्रसिद्ध उर्दू शायर शायरे मशरिफ उल्लामा इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष विश्व में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुवार 9 नवंबर को शायरे मशरिक उल्लामा इकबाल के जन्मदिन पर बीदर में खिदमत फाउंडेशन बीदर और उर्दू टीचर एसोसिएशन बीदर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस मनाया गया। सैयद मंसूर अहमद कादरी सदर खिदमत फाउंडेशन बीदर, प्रसिद्ध कारोबारी अयाज उल हक, मिर्जा अंसार बेग, मसीउद्दीन उपाध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, खुर्शीद कादरी मुखिया अतिथि रहे। इस अवसर पर इन सभी का और इनका सम्मान किया गया। इनके अलावा दैनिक उर्दू समाचार पत्र हैदराबाद कर्नाटक के संपादक अब्दुल अली, दैनिक उर्दू समाचार पत्र मुंसिफ के प्रतिनिधि सुजाउद्दीन अलीमुद्दीन, बंदे नवाजी समाचार पत्र केबीएन टाइम्स और केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, इन सभी का भी इस अवसर पर खिदमत फाउंडेशन की ओर से सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि उर्दू जुबान अपना वजूद या अस्तित्व खो रही है, इस बचाना बहुत जरूरी है। इस विषय पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए। इस अवसर पर अब्दुल अली, अयाज उल हक, मसीउद्दीन अंसार बेग, मंसूर अहमद कादरी ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। जो आलमी योम उर्दू के नाम से सारी दुनिया में आज योम उर्दू मनाया जाता है, ये शायर मशरिफ हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की योम पैदाइश के दिन योम उर्दू का नाम दिया गया और ये हिंदुस्तान से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता होते हुए पूरे आलम में फैल गया। आज इंटरनेशनल लेवल पर इस डे को मनाया जाता है। ये 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा होने वाले हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यकीनी तौर पर ऐसी सोच और फिक्र के हामिल शख्स थे कि जिनकी फिक्र में बहुत ज़्यादा बुलंदी थी। शाहीन उन्हीं की तखय्युल का एक नाम है, ये किसी परिंदे का नाम नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक तखय्युल है। उनका ख्याल ये है कि ये इनका जो दिया हुआ नाम है शाहीन, ये सिर्फ हवाओं में उड़ता है, ज़मीन पर वो कभी नहीं आता। हवाओं की उस बुलंदी पर उड़ता है जिस बुलंदी पर कोई परिंदा भी वहाँ तक नहीं जा सकता। तो वो तो ये कहते हैं कि तू नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, यानी तू जो है ज़मीन पर खाकबाजी जो है ना करने के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि तू ऊंची उड़ान के लिए पैदा हुआ है और सिर्फ ऊंची उड़ान के। उनके अशा आज आलमी योम उर्दू के मौके पर खिदमत फाउंडेशन के सदर जनाब सैयद मंसूर कादरी साहब ने एक छोटा सा मुख्तसर बेहतरीन प्रोग्राम रखा है जिसमें उर्दू की खिदमत करने वाले प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के
सूबेदारों को अहमियत पेश की है। आज के ज़माने में उर्दू के खिदमत करने के लिए सबसे बड़ा ये लोग बेड़ा उठाए हुए हैं, हमारे अपने मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। ये जो प्रोग्राम रखा गया है, सबसे पहले मैं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और सदर जलसा जनाब सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही इस जलसे के मेहमान खुशी जनाब अमर अयाजुल साहब, जनाब अंसार बिन साहब, जनाब खुर्शीद कादरी साहब, जनाब शेख मसूदीन साहब, जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब और दीगर तमाम शर्का का शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू एक ऐसी जबान है जिस घर में उर्दू का चलन नहीं वहाँ की तहजीब खत्म। अब हम सब की एक कोशिश है कि हमारी जबान को कैसे जिंदा रखा जाए। उर्दू की जो ये महक है, हमारी दुआ है कि सारी दुनिया में ऐसे महकती रहे, मुस्तकबिल में उर्दू का बोलबाला और मजीद हो। साथ ही क्या है, उर्दू का जो सफ़र खासतौर पर मैं हमारे अपने अखबार का जो 64 साल हो गए हैं, 64 साल कई मुश्किल आते हैं। अपनी जान को हथेली में रखकर इस कौम की तरक्की के ताल्लुक से, इस कौम की सोच को लेकर, इस कौम के मसाइल को लेकर हुकूमत तक पहुंचाना ये छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि जान को अपनी जोखिम में डालकर उन्होंने हुकूमत तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको इस फाउंडेशन की जानिब से और एक दफा उनको सलाम करता हूँ। इस तरह से बीदर जिले के अंदर वक्तन फौक्तन ऐसी शख्सियत मौजूद है हमारे दरमियान में, सैयद मंसूर कादरी ने हमारी कौम को ऐसा जगाते हैं जब कभी भी कौन से भी मामले आते, यौम उर्दू आते, कौन से भी टीपू सुल्तान का मामला आते, इस तरह से सैयद अहमद खान के मामले आते, बढ़ चढ़कर कौम के अंदर ये फंक्शन करने का मकसद यह है, कौम के अंदर जोश और जज्बा और बलबला पैदा करने के वास्ते ये फाउंडेशन का इनका यहाँ पर अंदर मिलाया है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ तमाम के लोगों की तरफ से। उसी तरह से शेख मसूदीन भी एक बिल्कुल स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर के हैसियत से अपने जो खिदमत अंजाम दिए, ये कौम का नाम रोशन करेंगे, हमारा ही नाम रोशन है। करके चिड़गुप्पा शहर में गुरुवार को तालुका प्रशासन ने दिवाली के अवसर पर लगाई है दुकानों में पटाखों के स्टॉक का निरीक्षण किया। तहसीलदार रविंद्र दामा ने चिड़गुप्पा के दुकानों में अवैध पटाखों के स्टॉक की जांच की और किसी भी स्थिति में बिना लाइसेंस वाली दुकान व घरों या निर्धारित स्थानों पर अनाधिकृत स्थानों पर पटाखों का स्टॉक न रखने को कहा, और कहा कि अगर किसी दुकान पर अवैध रूप से या बिना लाइसेंस के पटाखे मिलने पर संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित शेल्टर व दुकानों में ही बिक्री की जानी चाहिए। उन्होंने चिड़गुप्पा के हर दुकान की जांच की और दूसरे दुकानों को पटाखे न बेचने की सलाह दी। इस अवसर पर सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल, नगरपालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, पीएसआई बाशुमिया, पर्यावरण अभी पूजा पानशेट्टी, फायर ब्रिगेड ELF रविन्द्र व अन्य उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री DV सदानंद गौड़ा ने अचानक चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की वजह अब साफ हो गई है। भाजपा नेतृत्व ने सदानंद गौड़ा को इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के निर्देश दिए, इसलिए गौड़ा ने राजनीति ही छोड़ने का फैसला किया। अचानक हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत गौड़ा ने बुधवार को घोषणा की थी कि उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। बेंगलुरु उत्तर से लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि गौड़ा ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया। गौड़ा के इस कदम को लेकर गुरुवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में येडियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, सदानंद गौड़ा को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिले हैं, वे पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
प्रतिशोध की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि पार्टी की बेलगावी विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले शहर में 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेगी ताकि धन जारी न किया जा सके। विकास कार्यों का आकलन करने के लिए बेंगलुरु शहर के दौरे पर निकले येडियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि राजराजेश्वरी नगर निर्वाचन क्षेत्र में सड़क का बुनियादी ढांचा चलाने या लायक नहीं रह गया है। सत्तारूढ़ दल इतना प्रतिशोधी नहीं हो सकता। अतिरिक्त धनराशि देने की बात तो भूल जाइए, लेकिन उन्होंने आरआर नगर को आवंटित धनराशि वापस ले ली है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने चेतावनी दी, लंबे समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 9 नवंबर को प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष विश्व में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुवार 9 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय उर्दू दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च विद्यालय जहीराबाद में उर्दू दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 10वीं क्लास के छात्रों ने विभिन्न उर्दू शायरों और उर्दू से जुड़ी जानकारी फोटो गैलरी तैयार करके प्रदर्शित की और उपस्थित अतिथियों को इस संबंध में बताया। इस फोटो गैलरी का उद्घाटन स्थानीय मंडल शिक्षा अधिकारी और प्रधान अध्यापक यश विश्वराज ने किया। शिक्षक मोहम्मद रफीक अहमद, मोहम्मद सिराजुद्दीन, इमरान अहमद खान, कुतुबुद्दीन बख्तियार, उमता उर रहीम ने फोटो गैलरी तैयार करने में छात्रों की मदद की। इस अवसर पर बोलते हुए यह विश्वराज ने कहा कि इस तरह का स्कूल कार्यक्रम छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकता है और शिक्षकों को पढ़ाने में आसानी होती है। ऐसे कार्यक्रम हर स्कूल में होने चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य शिक्षक सिद्धाकर शंकरिया, रॉबर्ट लिंकन, कुमार शिव कुमार, विद्यासागर कविता, रमेश लक्ष्मी नारायण, सूर्यकला, अमृत चंद्र तुकाराम आदि उपस्थित थे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नियामतुल्ला के साथ रिजवान की रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर ने गुरुवार 9 नवंबर को अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय केसीआर की ओर से दिए गए चुनावी हलफनामे में बताया गया कि उनके पास 17.83 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति और 8.50 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। चुनावी हलफनामे में बताया गया कि केसीआर के पास कार नहीं है। सीएम केसीआर के पत्नी शोभा के नाम पर चल संपत्ति का कुल मूल्य 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनके हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ की चल संपत्ति का कुल मूल्य 9 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एचयूएफ के नाम पर करीब 15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। केसीआर की कुल देनदारी 17 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई गई है, जबकि एचयूएफ की देनदारी 7.23 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आईटी रिटर्न के अनुसार 31 मार्च 2023 को केसीआर की कुल 1.60 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि 31 मार्च 2019 को यह 1.74 करोड़ रुपए थी। तेलंगाना के एक कांग्रेस नेता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर रो पड़े, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सूर्यापेट से पटेल रमेश रेड्डी विधायक टिकट के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया, जिससे उन्हें निराशा हुई। कांग्रेस नेता अपने परिवार के सदस्यों के साथ फूट फूट कर रोने लगे और अपने आंसू नहीं रोक सके।
शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने शिवसेना के टूटने और फिर पार्टी के निशान के हुए बंटवारे को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में जाकर भी किसी से पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है तो लोग बोलेंगे कि बाला साहेब ठाकरे की, मगर चुनाव आयोग को ये बात मालूम नहीं है। राउत ने कहा कि चुनाव आयोग को आप भरोसा नहीं है, वह केंद्र सरकार की तोता हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी स्वार्थी पार्टी हो गई है, बीजेपी चीन और मणिपुर पर बात नहीं करती है मगर सिर्फ सेल्फी लेती रहती है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि बीजेपी को इन चुनावों में 5ों ही राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के बंटवारे पर बात करते हुए कहा कि यह शरद पवार की पार्टी है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े लोकसभा में सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के मामले की सुनवाई कर रही एथिक्स कमेटी ने गुरुवार को 2 सुनवाई के बाद इस मामले पर एक रिपोर्ट को अपनाया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने TMC की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए हीरा नंदानी समूह के CEO दर्शन हरिनंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मोइत्रा के खिलाफ आरोपी की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आग्रह किया था। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने मीडिया से बताया कि रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। कुछ सदस्यों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन बहुमत रिपोर्ट को अपनाने के पक्ष में था। अब रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को भेजी जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को गुजरात के विभिन्न इलाकों के निवासी 80 मछुआरों को एक जेल से रिहा किया, जिसके बाद गुजरात सरकार की एक टीम ने उन्हें लेने के लिए पंजाब पहुंची। अहमदाबाद में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अवैध विदेशी प्रवासियों और नागरिकों को देश से निकालने के लिए पाकिस्तानी सरकार के मौजूदा अभियान के तहत भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है। कराची में जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय मछुआरों को भारी सुरक्षा के बीच अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना किया गया है और वे कल लाहौर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें बाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट के फैसले, ईदी ने कहा कि ज्यादातर भारतीय मछुआरों गरीब पृष्ठभूमि से है और वे घर लौटने को लेकर बहुत खुश है। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट ने ही भारतीय मछुआरों की लाहौर तक जाने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा वे खुश है कि जल्द ही अपने परिवार में मिलेंगे। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल के जन्मदिन के अवसर पर बीदर में खिदमत फाउंडेशन और उर्दू टीचर एसोसिएशन की ओर से मनाया गया उर्दू दिवस। चिरगुप्पा शहर में तालुका प्रशासन ने दिवाली के अवसर पर लगाई गई दुकानों में पटाखों के स्टॉक का किया निरीक्षण। बिना लाइसेंस वाली दुकानों में पटाखों का स्टॉक न रखने को कहा गया। केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के निर्देश दिए। कर्नाटक सरकार की प्रतिशोधात्मक राजनीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी, भाजपा नेता BS येडियुरप्पा ने यह बात कही। पाकिस्तान ने कराची की जेल से 80 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, गुजरात के विभिन्न इलाकों के हैं निवासी।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।